विकास, सबसे पहले ऑल द बेस्ट, आप बिग बॉस का शो करने जा रहे हो, तो क्या कुछ तैयारी कर आप जा रहे हो घर के? मैं सिर्फ एक ही तैयारी करके जा रहा हूँ कि मैं कोई तैयारी ना करके जाऊँ, यही मेरी तैयारी है। अभी तक के जो एपिसोड्स हो चुके हैं, जितना भी गेम अभी तक खेल चुके हैं कंटेस्टेंट्स, आपने फॉलो किया है? जी। सबसे अच्छा गेम किसका लगा और अंदर जाके आप किसको टक्कर देने वाले हो? देखिए, मूवमेंट्स हैं अलग अलग, अलग अलग प्लेयर की अलग अलग गेम है, जो कभी किसी की अच्छी लगती है कभी किसी की, बट जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो खेल रहे हैं एक्चुअली जो प्लेयर्स हैं वो शिव, अर्चना और साजिद जी यही हैं, बाकी सब अभी भी अपने गेम को समझ रहे हैं और खेल रहे हैं और ठीक है कर रहे हैं। आई थिंक अंकित इज आल्सो वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल गाय। जैसे कि घर में ऑलरेडी दो तीन ग्रुप्स बन चुके हैं ऑलरेडी, तो आप अंदर जाकर किस ग्रुप में, किस ग्रुप से आप हाथ मिलाने वाले हो? मैं किसी ग्रुप का हिस्सा होने के लिए बिग बॉस में नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद ही का ग्रुप हूँ, तो मैं खुद ही एक ग्रुप हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी के अपने नए रिश्ते बनते हैं जब हम मिलते हैं, और उसको आप प्री कंसीव करके नहीं जाएं तो बेहतर रहता है, कि क्योंकि कोई किसी के साथ अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है मेरे साथ भी हो, या किसी के साथ बुरा है तो हो सकता है मेरे साथ अच्छा हो, तो इसीलिए आई वांट टू बी ओपन टू मीटिंग एंड कनेक्टिंग विद देम। अब इसका फ़ायदा ये हुआ है कि एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कि हाँ, मुझे थोड़ा सा मेंटल स्टेट और पैटर्न समझ आने लगा है लोगों का, कि आप एटलीस्ट वो फियर नहीं है कि अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। और अगर कंपटीशन की बात आए जी, तो इसके अंदर काफी कुछ बायस्ड गेम भी होता है कि जहाँ पर संचालक बायस्ड होते हैं, तो वो चीजें पूरा कैसे आप हैंडल करोगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीरियसली मुझे इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे सपोज निमृत कर रही है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट वो पीठ पीछे नहीं कर रही है। अगर वो सच बोल रही है कि वो चीटिंग कर रही है, वो अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रही है, तो वो फेस पे कर रही है, ठोक के कर रही है, हाँ मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ये तो बड़ी सही बात है यार। और मतलब बोलो ना झूठ तो ऐसे ही बोलो ना, कि या गलत करो तो मुँह पर करो ना, ताकि दूसरे को पता हो। जो लोग पीछे करके कुछ और आगे कुछ होते हैं उनसे संभलना पड़ता है, तो और ये नेचुरल सी बात है कि मतलब अगर कोई मेरा दोस्त है और कोई मेरा नहीं है, तो मुझे किसी को सपोर्ट करना हो तो मैं सबसे पहले दोस्त को करूँगा, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा गलत हो और दूसरा कोई सही हो। जैसे कि विकास, आपने ऑन स्क्रीन तो फैंस का काफ़ी दिल जीता है, रियल लाइफ में बात करेंगे आपकी, तो घर में तो आप देख ही रहे हैं लोगों का कभी भी रिश्ते बदल रहे हैं, जी, रहे, तो जी। आपका मतलब क्या गेम होगा, क्योंकि माइंड गेम भी काफ़ी अंदर चल रहा है, तो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर हैं? मैं यार एज अ ह्यूमन बींग नो, आई लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं जो हूँ फेस पर हूँ, अच्छा बुरा हूँ, हंसी मजाक है, गुस्सा है या कुछ भी है, नोक झोंक है, वो सब फेस पे है, मतलब पीछे कोई प्लानिंग नहीं है उसके लिए। तो और मुझे लगता है कि यही चीज़, यही सीक्रेट है बिग बॉस को जीतने का। अब ये सीक्रेट कितना काम करता है ये तो वहाँ जाके पता लगेगा, बट कोई प्लानिंग नहीं है, ये है कि हाँ मैं ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहता हूँ बिग बॉस में रहने का और बिग बॉस को जीतने का। जैसे कि विकास, आपने देखा होगा घर में रोटियों को लेकर काफी लड़ाई होती है, रोटियों तो, यस रोटी को लेकर काफी लड़ाई होती है, तो आप भी मतलब रोटी के कितने लवर हैं और अंदर जाने के बाद आप? मेरी लड़ाई रोटी को लेकर इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि मेरी डाइट में बहुत ही कम रोटी होती है, होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट चावल ही खा रहा होता हूँ मैं ज्यादातर करके, तो मैं उस लड़ाई में तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मुझे परेशानी होगी। और आपको क्या लगता है अभी जितने कंटेस्टेंट्स हैं घर के अंदर जी, किसके साथ आपकी जमने वाली है और किसके साथ आप, हो सकता है कि आपका झगड़ा हो? फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले कहा था, कि मैं अपने माइंड को लोगों का देखकर क्लोज नहीं करना चाहता हूँ जजमेंटल होकर, कि यार ये बहुत सही है और ये गलत है, ये सही, ये रियल है, ये फेक है, क्योंकि मेरा किसके साथ जाके कैसा कनेक्ट होता है वो डिसाइड करेगा कि मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करता हूँ, और वही है गेम, वही है रहना, वही ज़िंदगी है, मतलब आज आपका सबसे अच्छा कुली कल आपका नॉट सो अच्छा कुली भी बन सकता है, और सो यही है ज़िंदगी। मुझे लगता है कि वो वहाँ पर जाकर ही एक्सपीरियंस करना होगा, तभी मैं ऑनेस्टी से कर पाऊँगा। अगर मैं उसको प्रीमेडिटेट करके करूँ कि या प्लानिंग करूँ या स्ट्रेटजाइज़ करूँ कि वैसा करूँगा, तो मुझे लगता है मुँह के बल गिरूँगा और मैं फिर मैं ऑनेस्ट नहीं हो पाऊँगा। सो वो रीज़न ही नहीं है कि मैं बिग बॉस पर जा रहा हूँ।
फिर हर एक कंटेस्टेंट जो बिग बॉस के घर के अंदर है कोई ना कोई हर एक कंटेंट देता है शो को, तो आप किस कंटेंट, किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं? लाइक मैं अदरवाइज जो भी मुझे लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ही मजाकिया फन लगी हूँ, आई लाइक टू डू थिंग्स विद एनर्जी, तो वो मुझे लग रहा है आजकल ना क्योंकि इतने टाइम से लोग बंद हैं वो ऐसे थोड़ा सा डल से सैड से हो गए, तो मुझे लगता है थोड़ा हिला के थोड़ी एनर्जी लाई जाए ज़िंदगी में, वो करने वाला हूँ। सेकेंडली मुझे एक और चीज़ लगती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सही हैं तो आपको सिर्फ चीख कर लड़कर ही बताना है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप सिर्फ अगर अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए चीख रहे हैं, लाउड हो रहे हैं, तो वो आपकी कमज़ोरी है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी के साथ कोई मन मुटाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, पहले इज्जत प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की, नहीं आए तो फिर तो गुस्सा कर सकते हैं ना, उससे सिर्फ शुरुआत और एंड दोनों गुस्से से ही हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। जी, जैसे कि विकास, बिग बॉस के घर में जोड़ियां भी काफी बनती हैं, तो घर में भी कई हसीनाएं अभी मौजूद है, तो आप अंदर जाके कुछ ऐसा ट्विस्ट करने वाले हैं या नहीं? कौन सी हसीनाएं हैं अंदर आप बताइए तो वो तो आपको भी पता है कौन सी हसीनाएं। देखिए आप घुमा रहे हैं क्वेश्चन को, बताइए तो कौन कौन सी हसीनाएं हैं अंदर जिनके लिए आपको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है? वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा किस हसीना के लिए आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा। देखिए मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पीली मैरिड, और मैरिज में ना बहुत कुछ होता है, कम्प्लीटली हैप्पीली मैरिड कभी कोई नहीं होता है, बट वो उतार चढ़ाव, वो हंसी, वो खुशी, वो दुख, वो प्यार, वो जो पार्ट ऑफ मैरिज है ना, वो मैं उसमें कमिटेड हूँ, तो मैं उसमें बिल्कुल भी अलग जाने के लिए कोई मेरी कोई नियत और इंटेंशन नहीं है, बट आई एम वेरी ओपन टू मीटिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल। मुझे लगता है कि जो दोस्ती होती है ना और वो रिश्ते जो होते हैं ना, अगर वो सच्चे बन जाए ना तो वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, नहीं तो फिर सब आजकल कुछ और कल कुछ ऐसा होता है। तो बेहतर है और माइंड्स भी है कि दोस्ती बनाई जाए, कनेक्ट किया जाए। मुझे पता है सबसे तो नहीं बनेगी, और जिनसे बनेगी उनसे फिर मज़ा आएगा। और फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबको सबसे ज़्यादा मुझे ये कहना है कि प्लीज़ 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 वोट फॉर मी एंड शावर योर लव, शावर योर सपोर्ट ऑन मी। जितना सारा प्यार आप इतने सालों से देते आए हैं, प्लीज़ उसको बरकरार रखिए, उससे 10 गुना ज़्यादा ही दीजिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू एज अ पर्सन आई वॉन्ट टू क्रिएट द हिस्ट्री टू विन बिग बॉस, टू गो देर एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंड विन बिग बॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वो आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं होगा, आपके प्यार के बिना। प्लीज़ 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 आप सभी को है कि प्लीज़ वो कीजिए। आई जस्ट वॉन्ट टू बी एक्सपीरियंसिंग दिस, और मैं बहुत सच्चाई से मज़े से जाकर रहना चाहता हूँ। आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आए देखकर। प्लीज़ वोट फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।